यस मैम, आई वुड रेकमेंड बिरयानी यहाँ का। बिरयानी वही खाया, बिरयानी बहुत अच्छा। पनीर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग आ पहुँचे हैं स्वारगेट के नज़दीक फेमस वेजिटेबल होटल, प्योर वेज होटल, जिसका नाम काफ़ी लोगों को पता है, पंचमी रेस्टोरेंट। वहाँ पे हम लोग कुछ फेमस डिश ट्राई करेंगे, कस्टमर्स का फीडबैक लेंगे, जानेंगे उन लोगों का टेस्ट का फीडबैक कैसा है, बताएंगे आप लोगों को क्या है। चलिए चलते हैं, आइए। कैसे आप? ठीक है। बढ़िया बढ़िया, टेंशन मत ले आप, बिल्कुल ज़्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। अच्छा अच्छा, कितने साल से हम लोगों का होटल चल रहा है? ये 27 ईयर हो गया। व्यूअर्स दोस्तों, देखिए ये पंचमी के ओनर है, काफ़ी पोलाइटली बात कर रहे हैं, बेहतरीन इंसान है, काफ़ी कोऑपरेट किया इन्होंने, हमें बेहतरीन डिशेज के सजेशन भी दिया। हम लोग ये पुणे में कुछ ब्रांचेस है? नहीं, ब्रांचेस नहीं है। हम लोगों का टाइमिंग सर यहाँ पे, तो अभी तो कोविड का टाइम है, तो अभी 4:30 बंद हो जाता है। अगर कोविड ना हो तो? कोविड नहीं तो सुबह 8 से रात को 11:30 तक चालू रहता है। 11:30 तक चालू रहता है सर। वेजिटेबल मुमताज़ की लोगों ने काफ़ी तारीफ की, काफ़ी बेहतरीन स्वाद आ रहा है, मैंने भी ट्राई किया, क्या खास बात है सर इसमें? नहीं, हम लोग का जो ये प्रिपरेशन ओरिजिनल है, हम लोग केमिकल्स और एसेंस वगैरह नहीं डालते। बिल्कुल नहीं डालते। के कस्टमर सेटिस्फाइड हो, घर जैसा खाना है। ओके, हम भी खुद वेज खाना है तो हमारा होटल का ही खाते हैं, बाहर नहीं। गुड, बढ़िया। काफ़ी कम जगह पे देखा जाता है कि होटल के ओनर्स या उनका स्टाफ बाहर खाता है, लेकिन आपके कहने के मुताबिक कि आप और आपका स्टाफ भी यहीं पे खाता है शुरू से, मतलब ओपनिंग से? ओपनिंग से। तो आपको होटल में सबसे ज़्यादा फेवरेट डिश कौन सी लगी? सब डिश फेवरेट है इधर के, हमारे तो सब डिश फेवरेट है। तब भी एक होगी ना खास डिश जो आप डेली यूज ऑर्डर करते होंगे? डोसा है, मंचूरियन है, डोसा है, मंचूरियन है, पंजाबी डिशेस है। पंजाबी आपकी फेवरेट है? बिरयानी भी। दो प्याज़ा। और एक कस्टमर ने कहा था कि दो प्याज़ा काफ़ी फेमस है यहाँ पे। दो प्याज़ा। यस मैम, आपका मैम फीडबैक मैम? मैं भी बचपन से आ रही हूँ। सेम डिश, सेम मेरे फ्रेंड्स और हमारे सबके पार्टी में। जूसेस भी अच्छे हैं यहाँ के, जूसेस भी अच्छे हैं। जूसेस भी, अगर आप किसी को रिकमेंड करना चाहेंगे कि कोई जूस लेना है तो आप कौन सा जूस कहेंगे? मिक्स विद मिल्क शेक। मिक्स, हाँ। पाइनएप्पल, ये सब बढ़िया है। सर्विस बढ़िया है इधर, सर्विस बढ़िया है। यस मैम, क्लीनली। आई वुड रेकमेंड बिरयानी यहाँ का। बिरयानी वही खाया, बिरयानी बहुत अच्छा। पनीर बिरयानी, नॉर्मल बिरयानी? नॉर्मल बिरयानी भी बहुत अच्छा है, पनीर भी अच्छा है। ओके, थैंक यू फॉर योर फीडबैक मैम। तो हम लोग का दो प्याज़ा रेडी हो चुका है भाइयों, चलो हम लोग ट्राई करेंगे, दिखाएंगे। रोटी काफ़ी क्रिस्पी नज़र आ रही है, तंदूरी रोटी, क्या बात है, ज़बरदस्त। हाँ हाँ, क्या कहने भाई, थोड़ी सी नमक की मात्रा कम है, नमक है, स्वाद अनुसार हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। बेहतरीन खुशबू आ रही है भाई दो प्याज़ा की, मसाले काफ़ी बेहतरीन तरीके से मिक्स हो चुके हैं, टेस्ट लाजवाब, काफ़ी फ्रेश मसाले नज़र आ रहे हैं, वेजिटेबल भी काफ़ी फ्रेश है। बिल्कुल आप फिक्र ना करें कि ऐसे लगे आपको कि यार कल का या परसों का वेजिटेबल यूज़ किया गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेहतरीन टेस्ट आ रहा है दो प्याज़ा का। तो दोस्तों, हम लोगों की सेकेंड डिश वेजिटेबल मुमताज़, ताजमहल वाली नहीं, डिश वाली मुमताज़ आ चुकी है, हम लोग इसको ट्राई करेंगे। सुना है काफ़ी स्पाइसी है ये, चेक करेंगे बताएंगे कितना स्पाइसी। आइए, क्या बात, वेजिटेबल मुमताज़, हाँ काफ़ी गर्म है भाई, गार्निश बहुत बेहतरीन तरीके से किया गया है। हाँ, पनीर के पीसेस भी नज़र आ रहे हैं इसमें, क्या बात है। हाँ, लग गया थोड़ा, फिर से हम तंदूरी रोटी के साथ इसे ट्राई करेंगे। क्रिस्पीनेस देखिए आप, आवाज़ देखिए कितनी फ्रेश बनाई गई है रोटी। चलिए हम लोग ट्राई करेंगे वेजिटेबल मुमताज़, ताजमहल वाली। बढ़िया,
बेहतरीन भीनी भीनी खुशबू आ रही है वेजिटेबल्स की, क्या बात है। मैं स्पाइसी तो नहीं कहूँगा लेकिन टैंगीनेस का स्वाद बेहतरीन आ रहा है। टैंगीनेस का फ्लेवर आपको माउथ पे ज़रूर मिलेगा वेजिटेबल मुमताज़ में। काफ़ी सारे वेजिटेबल्स का मिक्स करके इसे बनाया गया है और रिकमेंड फिर से मैं आपको इसे तंदूरी रोटी के साथ करूँगा। बेहतरीन स्वाद आ रहा है, इतना स्पाइसी भी नहीं है कि आप खा ना पाए, बेहतरीन टेस्ट है, टैंगीनेस फ्लेवर है। देखिए भाई, लग रहा है कि काफ़ी स्पाइसी होगा लेकिन नज़र तो नहीं आ रहा है और है भी नहीं। हाँ हाँ, बेहतरीन स्वाद है, टैंगीनेस का फ्लेवर आ रहा है, ज़बरदस्त टेस्ट। तो जब भी आप पंचमी में आए तो मुमताज़ आगरा वाली नहीं डिश वाली ज़रूर ट्राई करें, ठीक है। तो भाई क्या बना रहे हम लोग? मैंगो मिल्क, मैंगो मिल्क शेक। ये क्या है? ये मैंगो है, ये मैंगो है क्या? प्योर मैंगो है क्या ये? हाँ प्योर मैंगो। ओके, मैंगो का पल्प है तो अभी हम लोग इसको मिक्सर में मिक्स करेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए, ये क्या है भाई? दूध है। दूध है क्या? बढ़िया, बढ़िया। ब्लेंड करेंगे हम लोग इसको। हम लोगों का सफरेज जाते हुए चितले का मिल्क हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, चितले का। ये क्रीम है, क्रीम हम लोग डालेंगे अभी इसके अंदर। क्या बात है भाई, क्या कहने, ज़बरदस्त दिख रहा है। हाँ 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 हाँ, हो गया हम लोगों का मिल्क शेक रेडी। क्या बात है, काफ़ी थिक नज़र आ रहा है, ये पूरा थिक नज़र आ रहा है। ये रेडी हो गया भाई हम लोगों का मैंगो मिल्क शेक रेडी हो चुका है, इसको ट्राई करेंगे। चलिए दिखाते हैं आपको रिव्यू। चलिए, तो हम लोगों का मैंगो मिल्क शेक रेडी हो चुका है दोस्तों, ट्राई करके आपको बताएंगे। थिकनेस तो काफ़ी नज़र आ रही है, देखिए हिलाने पर भी गिर नहीं रहा है। ये देखिए थिकनेस, देखिए भाई क्या बात है। मिल्क शेक काफ़ी ट्राई किया है मैंने लेकिन इतना थिक मिल्क शेक पहली बार ट्राई किया है। चलिए देखेंगे टेस्ट आपको। साइज़ भी काफ़ी बड़ा है भाई, 250 ml से काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है, मे बी 300 ml का दिख रहा है ग्लास। चलिए ट्राई करके बताएंगे। अरे वाह भाई, भाई क्या कहने भाई, नो कमेंट। प्योर ऐसा लगेगा आपको, पूरा मैंगो का पल्प है, बेहतरीन टेस्ट आ रहा है, क्या स्वाद आ रहा है, रुका नहीं जा रहा भाई मुझसे तो। और एक बाइट लेंगे, क्या कहने। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा इसका प्राइस क्या है, बेहतरीन ज़बरदस्त प्राइस में ऐसा टेस्ट मिलना मुश्किल है। क्या बात है, मुश्किल नहीं, मुझे तो नामुमकिन नज़र आ रहा है भाई। देखिए भाई थिकनेस, देखिए भाई, हाँ हाँ देखिए, हाँ ज़बरदस्त। जब भी आप पंचे में आए तो मेरी रिकमेंडेशन पे आप मैंगो मिल्क शेक तो ज़रूर ट्राई करें। हॉनेस्ट रिव्यू, क्या कहने भाई।